तो आज जो हम देखने वाले हैं, आज देखने वाले हैं, हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे और 3D पार्ट को कैसे सिमुलेट करके देख सकते हैं और चला सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो है, तो बड़े ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करते हैं। एक नया कोई भी मैं कंपोनेंट ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने जब भी कोई ड्राइंग बनानी है तो ड्राइंग के अंदर हमें ये याद रहना चाहिए कि हमारी जो ड्राइंग है ना, वो मैट्रिक्स सिस्टम में काम कर रहे हैं या इंच सिस्टम में काम कर रहे हैं। जो हमें रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हमने इसको चलाना है। तो उसी के लिए सबसे पहले मैं एक कोई मॉडल बना लेता हूँ। ये मैंने मॉडल कंप्लीट कर लिया, अब इसको सॉलिड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवॉल्व। रिवॉल्व करेंगे, चेन दे दी मैंने, इस तरीके से मेरा ये मॉडल तैयार हो गया। अब देखो, हमारे पास कभी भी ड्राइंग आएगी ना, तो वो हमें 3D के अंदर STP फाइल देगा या IGS फाइल देगा, इस तरीके से हमें वो फाइल इम्पोर्ट करेगा। बट अपने को क्या करना है, हमको इस जो हमारी फाइल है, अगर हम टर्निंग की प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, तो जैसे कि मैं पहले बताता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके जो एक्सिस हैं जो उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ओरिजिन में रखना पड़ेगा, और जो इसका व्यू है, टॉप व्यू में हम इसको चेक करेंगे, तो ये दो एक्सिस के अंदर आनी, दो क्वाड्रेंट के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि हमारा सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट है। ये बहुत जरूरी है अगर हम टर्निंग की प्रोग्रामिंग करते हैं लेथ मशीन की। तो अब हमें ये 3D के अंदर कोई भी मॉडल दे दिया, और इसके अंदर अब मेरे को ना यहाँ पे एक होल लगाना है। अभी इसमें मैंने बनाया नहीं है, बनाने को मैं बना भी सकता था, बट मैं इसके अंदर एक होल बनाना चाहता हूँ। मेरे पास एक इस तरीके की प्रोफाइल आ गया, तो मैं होल बनाने के लिए जाऊंगा मशीन के ऊपर, और मशीन के अंदर जाकर मैं लेथ चूज कर लेता हूँ, जैसे कि हम बाय डिफॉल्ट करते आए हैं। और इसमें जो मेरे पास ऑपरेशन है वो है ड्रिल ऑपरेशन, तो ड्रिल ऑपरेशन का प्रयोग करेंगे। और उसमें जो चूज करना है मेरे को, सबसे पहले चूज करना है टूल, जो इसका मेजर पार्ट है। तो टूल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ना, जो ड्रिलिंग के अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग टूल दे रखे हैं। जैसे हमारे पास ये ड्रिल दे रखा है, दिस इज अ सेंटर ड्रिल, ये काउंटर सिंक है, थोड़ा सा काउंटर आगे से लगाने के लिए, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टैप दे रखे हैं अलग अलग साइजेस के, मेट्रिक के हो सकते हैं, RH टैप है, LH टैप है, रीमर दे रखा है। तो ये जो ड्रिलिंग ऑपरेशन है ना, इसी के अंदर हम थ्रेडिंग भी कर सकते हैं, ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, सेंटर ड्रिल लगा सकते हैं, चैम्फरिंग कर सकते हैं, और काउंटर सिंक भी कर सकते हैं, या रीमर करना है तो रीमर भी कर सकते हैं। इनके प्रोग्राम हम बना सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल तो ड्रिल ही कर रहे हैं, तो ड्रिल मैं ले लेता हूँ। तो ड्रिल का, जैसे कि आपको पता है मेरे को कितने का ड्रिल लगाना है, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा इसकी टूल ज्योमेट्री है, जो कि इसकी शेंक साइज है, ये यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जो ड्रिल का डायमीटर है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ, और जो इसका एंगल है, एंगल 118 डिग्री हमने ले रखा है। मेनली आपको पता होना चाहिए कि जो ड्रिल होते हैं उसमें तीन तरीके के एंगल आते हैं, 90 डिग्री, 118 यानी कि 118 डिग्री, और 136 और 135, इस तरीके से होता है, 135, 18 और 90 डिग्री। तो जिस जैसे जैसे हमारा जो मटेरियल है वो, अगर वो हार्ड होगा तो हार्ड मटेरियल में हमारा एंगल बढ़ता जाएगा, और अगर सॉफ्ट मटेरियल होगा तो वहां पे हमारा एंगल कम होता जाएगा। तो डिपेंड करता है हम कौन से मटेरियल पे काम कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम ड्रिल को प्रेफर करते हैं, लेते हैं। यहाँ पे आप ड्रिल की लेंथ ले सकते हो, कितना उसकी ओवरऑल लेंथ है, जैसे इसमें 125 दे रखी है। कटिंग वाली जो फ्लूड लेंथ है वो 100 है, और 80 mm जो इसकी यहाँ पे फ्लूड तक है। तो ये चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं टूल के अंदर। तो मैंने टूल ले लिया, मैंने 10 की ज्योमेट्री का टूल लिया, और इसको भी मैं 10 का ही कर लेता हूँ। ओके करता हूँ, तो मेरा ये टूल है वो आ गया है, ये तो सही है। देन हमारे पास ना यहाँ पे होल्डर की भी सिलेक्शन होती है। होल्डर हम देख सकते हैं कि हमें होल्डर कौन सा चाहिए, और होल्डर के जो लेंथ है उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इस टूल के अंदर दिखाई गई है। अभी क्योंकि मेरी शैंक ओवरऑल लेंथ 54 इसमें आ रखी है, ओवरऑल लेंथ जो है 68 आ रखी है, और जब मैंने यहाँ देखा था टूल,
तो टूल की लेंथ मैंने 125 ले रखी है, तो ये 125 से बड़ी होनी चाहिए। तो मैं इसको ओवरऑल लेंथ में कर लेता हूँ, इसको 180 के अप्रोक्स कर लेता हूँ। और जो मेरी पीछे होल्डर साइज रहेगा उसको मैं अकॉर्डिंग टू जो मेरा होल्डर रहेगा उसको मैं चेंज कर सकता हूँ कि 54 रखना है या फिर 60 रखना है। और यहाँ पे टेपर और ये चीजें मैं डिफाइन कर सकता हूँ। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये होल्डर आ जाएगा। अब होल्डर की ओवरऑल लेंथ ज्यादा होने के कारण 180, ये इसको कम कर लेते हैं हम। ये चीजें हम खुद चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का जो मेरा टूल है वो लेंथ लंबी होने के कारण कुछ इस तरीके से हो सकता है। और फिर मैं होल्डर का जो डाया है उसको भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे 25 कर लेते हैं इसको, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और ये जो टेपर वगैरह है ये बाय डिफॉल्ट ही आते हैं, तो ये लेंथ मैंने ले ली टूल की, टूल डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मेरा वैल्यू आती है वो आती है डेप्थ की। तो डेप्थ मेरे को बतानी है डेप्थ कितनी कहाँ तक देनी है। अगर मेरे को पॉइंट गिवन है तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पकड़ के दे सकता हूँ। अगर पॉइंट नहीं गिना नहीं पता तो मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ, ओवरऑल 20 mm तक जाना है। ड्रिल पॉइंट मेरे को सेंटर पॉइंट इसमें बताना है। सेंटर पॉइंट मेरा हमेशा ड्रिल सेंटर से ही चलेगा, तो ड्रिल तो X0 और Z0 पे ही रहेगा। डेप्थ मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और नेक्स्ट इसमें जो क्लीयरेंस है यानी कि जो ड्रिल है वो बाहर आए, वो कितना mm आके बाहर पे रुक जाए, वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा क्लीयरेंस में। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा रिट्रैक्शन। जब वो ड्रिल करके वापस आएगा, रिट्रैक्ट करेगा, थोड़ा सा क्या होता है ड्रिल करते जब हम लंबा ड्रिल करते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ जो चिप्स होते हैं वो फंस जाते हैं, और फंसने के कारण वो मशीन और जो ड्रिल है उसकी जो शार्पनेस को खत्म करते हैं, और ड्रिल फंस भी सकता है जो हमारा वर्क पीस है उसके अंदर। तो हम क्या करते हैं इसको रिट्रैक्ट कर लेते हैं। रिट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है कि थोड़ा रुके और फिर अंदर जाए, उसको बोलते हैं पैक ड्रिलिंग। तो यहाँ पे मेरे को पैक देने पड़ेंगे, इसमें कितना पैक लगाना है। तो फर्स्ट में दे देता हूँ, जैसे मेरे को लंबा करना तो मैं इसमें 2 mm का पैक दे देता हूँ। और सब्स्टिट्यूशनल सब्सिक्वेंट पैक जो होता है वो 5, यानी कि जो बार बार पैक लगे, फर्स्ट पैक तो 2 mm का लगे और सेकेंड जो पैक लगे वो 5 mm का लगे। यहाँ पे ओके कर देता हूँ और मेरा जो ड्रिल है वो लग गया। अब यहाँ से इसको देखते हैं किस तरीके से ये मूवमेंट करता है, कुछ इस तरीके से आएगा। अब मैंने लेंथ बहुत ज्यादा ले ली थी, इस वजह से जो मेरा ड्रिल है वो बहुत लंबा हो गया था, तो मैं उसको कम या ज्यादा भी कर सकता हूँ जब जैसा कि मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जनरली। उसके बाद क्लोज करते हैं, पैरामीटर्स के अंदर ही जाते हैं, ड्रिल के अंदर जाते हैं, इसकी जो लेंथ है इसको कम कर लेते हैं ओवरऑल। तो इसको मैं दे देता हूँ 80 के समथिंग दे देते हैं। इसको मैं 50 कर लेता हूँ, इसको 80 कर लेता हूँ। ओके, इसको भी 80 रख लेते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो मैं नॉर्मल सा एक टूल ले लेता हूँ, लाइक ये इसको यूज कर लेते हैं। ओके करते हैं, तो देखने में थोड़ा कूल लगेगा। जनरेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और मैं कि मेरे को डेप्थ तो 5 mm 10 mm करनी है ना, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। क्लोज करता हूँ। और अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि अगर मेरे पास 3D का कोई पार्ट है उसको हम सिमुलेशन के अंदर कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ना कोई स्टॉक नहीं है, तो स्टॉक को दे स्टॉक बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, कोई भी पार्ट है उसका स्टॉक बनाने के लिए मैं स्टॉक पे जाता हूँ। ये मेरा जो टर्निंग के अंदर स्टॉक आएगा, स्टॉक पे जाएंगे और यहाँ पे मॉडल पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे मेरा मॉडल ये है, एंड सिलेक्शन करेंगे और इसको कर देंगे ओके। तो ये मेरा मॉडल जो है डिफाइन हो जाएगा। अब जब भी मेरे को इसको वेरीफाई करना है, मैं इस पे वेरीफाई पे जाऊंगा और यहाँ पर जाकर स्टॉक मॉडल पे क्लिक करूंगा और स्टॉक मॉडल को ओके कर दूंगा। इस वाले पॉइंट पे जाना है दोबारा से, स्टॉक मॉडल
और स्टॉक मॉडल मैंने 1 ले लिया यहाँ पे, ओके करता हूँ और उसके बाद वेरीफाई करूंगा तो ये मेरे को मॉडल दिखाएगा सिमुलेशन के अंदर और उस पे जो है वर्किंग करके ये डिफाइन करेगा। तो कुछ इस तरीके से होगा और जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो यहाँ। अब इसमें क्या हुआ, डेप्थ ज्यादा होने के, लेंथ कम थी और डेप्थ ज्यादा थी, इस वजह से उसने उसको एक्सीडेंट कर दिया। तो यही चीजें अपने को अवॉइड करनी है और देखना है। तो इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो इसको कर देता हूँ हाइड, मैं खाली टूल पाथ पे ही टूल पाथ पे जाता हूँ और टूल पाथ ही देख लेता हूँ कि किस तरीके से वो लगेगा। यहाँ पैरामीटर्स में जाके हम टूल की लेंथ को भी बढ़ा सकते हैं, अभी जो कि इसमें 18 कर रखी है और जो कुछ इस तरीके का मेरा जो टूल है वो आ गया और अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ रीजनरेट 3D के अंदर और स्लो स्लो चला के देखेंगे। तो ये मेरा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो गया और इसने जो है इसको कटिंग करके दिखा दिया। और यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ इसको थोड़ा ब्लर करके स्टॉक पे कि एक्चुअल में वो कितना है, सही जा रहा है या नहीं जा रहा, तो ये चीजें मैं देख सकता हूँ इसके अंदर। तो आज का ऑपरेशन जो था हमारा ड्रिलिंग से रिलेटेड था जो हमने आज करा है, और इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी ऐसे ही और भी हम आगे जो जितने हमारे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर काम करते रहेंगे और चलाते रहेंगे और आपको, आप लोगों को सिखाते रहेंगे।